हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड की दुनिया से आज हम आपको ले चल रहे हैं अध्यात्म की दुनिया में। बॉलीवुड की दुनिया में है टेम्परेरी लव, लेकिन यहाँ है शाश्वत प्रेम। हम बात कर रहे हैं राधा रानी की। राधा रानी प्रेम स्वरूपा हैं और वृंदावन से हम आपको ले चल रहे हैं बरसाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए एवं अपने कमेंट भी जरूर लिखिए। तो हम पहुंच गए हैं राधा रानी के गांव बरसाना, और बरसाना में राधा रानी का जो मंदिर है वो पहाड़ पर स्थित है, और इन सीढ़ियों के थ्रू हम राधा रानी के दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीढ़ियों के जरिए राधिका जी के दर्शन करने। तो ये है बरसाने में पहाड़ पर स्थित राधा रानी का दिव्य मंदिर, और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के श्री विग्रह स्थापित हैं, और उनके दोनों साइड में राधा रानी की जो गोपियां हैं उनके विग्रह दर्शन करने को मिलते हैं। आप इधर देख सकते हो कि ये पहाड़ से हम लोग नीचे देख रहे हैं बरसाना गाँव। इसी बरसाना गाँव में राधा रानी की दिव्य बाल लीलाएँ होती थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का शाश्वत प्रेम आज याद इसलिए किया जाता है क्योंकि वो निर्वासनिक प्रेम था, निश्चल प्रेम था। ये जो बरसाना है, इस गांव से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन जाती थी, उनकी गोपियां उनके साथ जाती थीं, और वहां उनकी दिव्य रास लीलाएं होती थीं, जिसको हम लोग कहते हैं शाश्वत प्रेम। आज भी अभिवादन राधे राधे करके किया जाता है। जैसे वृंदावन में सब लोग राधे राधे बोलते हैं, बरसाने में भी लोग राधे राधे करके अभिवादन करते हैं।